आज छत्तीसगढ़ में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ की जलवायु, ओके, द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते ही है, क्लियर है। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ की जलवायु को समझने के लिए हमको भारत की भौगोलिक स्थिति को देखना होता है और भारत में फिर छत्तीसगढ़ की क्या भौगोलिक स्थिति है उसको देखना होता है, क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि जलवायु और मौसम ये दोनों में कुछ अंतर है, ओके। मौसम जो है वो वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था को कहा जाता है, क्लियर। वायुमंडल में जो शॉर्ट टर्म जो भी चेंजेस आते हैं वर्षा में, तापमान में, वायुमंडलीय दाब में, आर्द्रता में, इन सब पैरामीटर्स में जो शॉर्ट चेंज होता है उसको हम लोग मौसम बोलेंगे। लेकिन एक लंबे समय अंतराल के लिए इन सभी पैरामीटर्स में जो औसत जो होता है या जो दीर्घकालिक जो अवस्था होती है वायुमंडल की उसको हम लोग जलवायु कहते हैं, क्लियर। क्लाइमेट यानी कि एक परमानेंट स्टेट है लंबे समय के लिए, एक दीर्घकालिक अवस्था है, लेकिन मौसम एक क्षणिक अवस्था है। मौसम शॉर्ट टर्म जो भी चेंजेस होते हैं अलग अलग वायुमंडलीय पैरामीटर्स में उसको हम लोग मौसम कहेंगे, क्लियर है। और उसी लंबे समय के मौसमी दशाओं के औसत अवस्था को हम लोग जलवायु कहेंगे, क्लियर है बात। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक। अब देखें जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके लिए एक शब्द आप लोग याद रखिए, और वो जो शब्द है वो है लैंडफॉर्म्स, क्लियर है, लैंडफॉर्म्स। जलवायु को या क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम दे रहे हैं क्या, लैटिट्यूड या अक्षांश, क्लियर है। भारत की या छत्तीसगढ़ की क्या अक्षांशीय स्थिति है जिसकी वजह से जलवायु पर नियंत्रण किया जाता है या जलवायु की दशाओं को समझा जाता है, उस अक्षांशीय स्थिति को हम समझेंगे। एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से इस छत्तीसगढ़ की ऊंचाई कितनी और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमको समझना होगा यदि हमको जलवायु को समझना है तो। नियरनेस फ्रॉम द सी, समुद्र से निकटता। डायरेक्शन ऑफ द विंड, पवन की दिशा, जो हवा बहती है उस हवा की डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसके आधार पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है जलवायु की दशा को समझने में। फिर आता है फॉरेस्ट वन, ओशन करंट, समुद्री जल धाराएं, ठीक है, पूरे विश्व में अलग अलग जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चले जाए तो एल नीनो, ला नीनो, उसकी वजह से भी छत्तीसगढ़ की जलवायु में बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहां ज्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी, है ना, ये सारी चीजें तो समुद्री जल धाराएं ये भी प्रभावित करने वाले कारक है। वर्षा, रेनफॉल, पहाड़ के पर्वत और मिट्टी, क्लियर है ना। पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर जो बहने वाली हवा है और पर्वत से पहाड़ से टकराने के बाद क्या स्थिति में परिवर्तन आता है, ये सारी चीजें। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की जलवायु या किसी भी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाले इतने कारक हैं, क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग ये सभी पॉइंट्स उसको देखते चलेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट में आते जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जलवायु को समझने के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में हमको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही सैद्धांतिक बातें यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनते चलिएगा तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा और छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है, क्या होता है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हमको पूछे जा चुके हैं वह भी आप विस्तार से यहाँ पर देख पाओगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा यदि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है, तो ये एक लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनते चलो, क्लियर। देखो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय उर्वाग्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, क्लियर। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको क्या बोल दिया, ठीक है, ये कैसा भारी भरकम सा वाक्य यहां पे दिख रहा है आपको, शब्द दिख रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र मानसूनी जलवायु, ये हम छत्तीसगढ़ की जलवायु लेते हैं,
क्लियर है ओके। अब इसी शब्द को हमको समझना है कि भैया ये उष्ण क्या है, कटिबंधीय क्या है, उपार्द्र क्या हो गया, क्या मानसूनी क्या है, क्लियर है। तो ये एक एक शब्द का अर्थ यदि आप समझ जाते हैं कि कहां से आया कैसे आया, तो आप खुद ये बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु आखिर उष्ण कटिबंधीय, शुष्क या उपार्द्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत कैसे आता है, क्लियर है बात ओके। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु में मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, बेसिक बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्लियर है बात ओके। तो देखो सबसे पहले यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जलवायु को समझने के लिए मुख्य रूप से हमको तापमान के बारे में समझना होता है, ठीक। दूसरा हमको वायुमंडलीय दाब को समझना होगा, क्लियर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक। आर्द्रता के बारे में बात करेंगे ओके। और वर्षा, क्लियर बात है ना। जलवायु यानी कि हम बात करेंगे यहाँ के तापमान के अलग अलग क्षेत्रों का क्या तापमान है, उसकी वजह से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है, आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी, और हम बात करेंगे वर्षा यानी कि रेनफॉल के बारे में, क्लियर है ओके। तो देखो बेसिक चीजें पहले मैं चालू कर रहा हूं, फिर मैं छत्तीसगढ़ की जलवायु में आऊंगा। अब देखिए, देखें ये एक बना लेते हैं हम लोग, ये आपका क्या हो गया ग्रह, ठीक है, या पृथ्वी कह लीजिए, क्लियर। अभी ये आपका एक पृथ्वी में 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, या जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्लियर। 0 डिग्री की विषुवत रेखा। अब यह विषुवत रेखा इस पृथ्वी को 2 अलग अलग गोलार्धों में बांट देती है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर है। अब हमने अलग अलग अपनी सहूलियत के आधार पर अक्षांश रेखाओं में इसको बांट दिया है, ठीक है। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है ना, पूर्व से पश्चिम को जो मिलाता है वो आपका अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहलाता है, क्लियर। तो इसमें आप देखें ये आपका हो गया 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, क्या है ये कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर 23.5। दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको ये 23.5 डिग्री की मकर रेखा मिलेगी, ये है आपका लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, क्लियर है। और ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही एक और आपको मिलेगा नॉर्थ ऑर्बिट उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 में, फिर दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त भी आपको मिलेगा 66.5 में, ठीक। फिर इस तरफ चलेंगे तो ये अक्षांश रेखाएं ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से ऊपर चलते चलेंगे तो इस गोलाई की वजह से छोटी होती जाएगी, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। उसके बाद फिर एक पॉइंट का रूप ले लेती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, या ये आपका हो गया साउथ पोल जो कि होता है 90 डिग्री में, क्लियर इतनी चीजें, ठीक ओके। अब देखो सबसे पहले आप तापमान को समझिए, है ना। देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्लियर। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी एक जगह पर है और सूर्य जो है उसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखते चलिए, देखिए ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा दिख रहा है ना, ये आपका 21 मार्च को, ठीक, 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक, वो इस विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, क्लियर बात, ठीक। सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होंगी, ये बिल्कुल लंबवत पड़ेगी, परपेंडिकुलर पड़ेगी, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपका लंबवत पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि यहां पर तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर विल बी हाई, क्लियर है बात ओके। बिकॉज द सन रेज डायरेक्टली स्ट्राइक ऑन दिस लैटिट्यूड ऑफ 0 डिग्री लाइन, क्लियर है बात ओके। अब देखो कि ये स्थिति जो है वो साल भर बनी रहेगी, क्लियर। मतलब ये कि ये जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं यहां पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है,
क्लियर है। अब यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कि ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, उष्णकटिबंध एरिया। क्लियर, उष्णकटिबंधीय जोन। ओके, ये आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा, ट्रॉपिकल जोन उष्ण, क्योंकि ज्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि सीधे लंबवत पड़ेगी। कितना, 0 डिग्री से 23.5 ऊपर या 0 डिग्री से 23 दक्षिण में, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो जोन है इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। क्लियर यहां तक। फिर आप 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच जाएंगे तो ये जो एरिया है यानी कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और इधर आपका मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। क्लियर है, है ना, क्यों, क्योंकि भाई साल भर यहाँ लंबवत किरणें पड़ेंगी इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी रहेगी, तो पृथ्वी की गोलाई की वजह से, पृथ्वी के आकार की वजह से इस एरिया पे ये क्या होगा, ये तिरछी किरणें पड़ेंगी, और तिरछी किरणें पड़ेंगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों का फैलाव ज्यादा हो गया, उसको वायुमंडल में क्या है, अधिक दूरी तय करते हुए वहां तक पहुंचना है, जिसकी वजह से वहां तक पहुंचते इसका तापमान क्या हो जाता है कम, इसीलिए शीत ऋतु, इसीलिए आप जो यहाँ पे देखेंगे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में यहाँ तापमान बहुत कम होता है, बर्फ जमी होती है। क्लियर, तो इधर बहुत गर्म है, फिर ध्रुव की तरफ जाते जाते ये तापमान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हो ये आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, शीतोष्ण। क्लियर है, टेम्परेट जोन ये कहलाएगा। क्लियर है, दक्षिणी ध्रुव में भी वैसे ही स्थिति रहेगी। क्लियर, और फिर ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो आप देख रहे हो ये आपका किसमें आ जाएगा, शीत कटिबंध में आ जाएगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कोल्ड जोन कहलाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो तीन अलग अलग बेल्ट आप देख रहे हो, ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया, ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरफ शीतोष्ण, ये भी दक्षिण ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण, और फिर सबसे ऊपर यहाँ पे ध्रुवों के पास शीत कटिबंध रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए पढ़ो, ये कर्क रेखा ये भारत से होकर के जाती है, क्लियर, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है ना, क्लियर, तो 23.5 अंश ये कर्क रेखा जो आप देख रहे हो, तो ये देखो अगर मैं भारत की स्थिति बनाऊ लाइक दिस, ठीक है, ये देखिए एक प्रतीकात्मक, यहाँ पे मैंने भारत का एक मैप छोटा सा देख लीजिए, तो आप देखिए कि ये भारत से होकर कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 अंश, ठीक है, तो भारत में 23.5 अंश के नीचे यहां वाला एरिया जो आप देख रहे हो ये तो उष्ण कटिबंध में आ रहा है, और उसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये किसमें आ जाएगा, शीतोष्ण में आ जाएगा। क्लियर देखिए, ठीक है, तो ये भारत की स्थिति हो गई, जिसका दक्षिणी हिस्सा यानी कि प्रायद्वीपीय हिस्सा जो आप देख रहे हो भारत का पेनिनसुलर जोन, वो आपका उष्ण कटिबंधीय जोन में आ रहा है। क्लियर है, अब आपका छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ भी किसमें आएगा, इसी उष्ण कटिबंध में आएगा, समझे कि नहीं बात को, क्लियर, ठीक, क्योंकि ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी तो होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से, ठीक है, उसको भी देखेंगे जब मैं आपको ये टॉपिक जो है समझाऊंगा। क्लियर है बात, फिलहाल इतनी चीजें क्लियर है, ठीक, तो ये तापमान की बात हो गई। ओके, ये उष्ण कटिबंध है, फिर शीतोष्ण, शीत अंदर शीतोष्ण इधर से, यहां तक क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझते चलो, अब देखो भाई ये इतनी चीजें हो गई, यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है तो हवा क्या होगी, हवा गर्म होगी, हवा जब गर्म हो जाएगी तो हल्की होकर के वो ऊपर उठेगी, ठीक है, अब जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उस एरिया में जहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है उस एरिया में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, वहां पर बनेगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, अब मैं आपको ये प्रेशर जोन आपको बताता हूं इसी ग्लोब के माध्यम से, तो देखिए, देखिए एक और ग्लोब हम लोग बना देते हैं साथ में, जिसमें मैं आपका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, दाब का वितरण, देखिए कि भैया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं, ठीक, तो देखो समझना, ठीक है,
अब देखो अगर इसके हम लोग बात करें तो ठीक है, ये देखो ठीक, ये गलत रेखा, ये आपकी 66.5 ठीक, और ये आपका 0.4 ठीक। वैसे ही इधर भी आप देख सकते हैं, क्लियर ठीक। अब देखो ये समझ, इस 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ठीक है, 0 से 5 ऊपर और 5 नीचे। ये जो जोन होता है ठीक, ये जो जोन आप देख रहे हो ये आपका निम्न वायु दाब ठीक का बैग, निम्न वायु दाब ठीक है, समझिए ना। कैसे भाई, इस एरिया में, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा में यहां पर साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, जिसकी वजह से यहां पर तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो इस एरिया में जो बहने वाली हवा है वो हल्की होगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, क्लियर, ऊपर उठेगी। इसलिए इस एरिया में क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब का जोन बन जाएगा ठीक। तो पूरी पृथ्वी में सबसे लो प्रेशर जो जोन होता है वो यही होता है ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में ये लो प्रेशर बेल्ट हो गया। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है ना, उष्ण से शीतोष्ण फिर शीत, क्लियर। अब तापमान कम हो रहा है तो इससे क्या होगा, इधर आपका जो है प्रेशर वो ज्यादा होगा, क्लियर बात। तो सबसे अधिक वायुदाब की जो पेटी होती है ठीक, हाइएस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो आपका ध्रुवों में होगा, क्लियर। ये सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब, क्लियर, ये इसकी पट्टी हो गई, क्लियर। वैसे ही यहां से बीच में आप जाएंगे तो यहां पर इस वायुदाब से कम लेकिन यहां से ज्यादा ठीक, उसका क्या जोन है, तो उस जोन को भी समझिए। और वो है, ये तो 23.5 हो गया ठीक, और वो क्या है, तो ये आपका 30 से 35, ये वाला, क्लियर। वैसे यहां पर भी आ जाए तो ये इस तरीके से आप बना लीजिए, क्लियर, ये आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री, क्लियर ठीक। तो ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट ठीक, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट हो गया है ना ध्रुवों में, क्लियर, इधर भी सबसे अधिक दाब, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हाई प्रेशर वाला बेल्ट हो गया, क्लियर ये चीजें ठीक। अब एक चीज समझ लो, हवा द डायरेक्शन ऑफ द विंड, क्लियर, ये देखिए यहां पर एक टॉपिक हमने लिखा था ठीक, डायरेक्शन ऑफ द विंड ओके। पवन की जो दिशा होती है याद रखिएगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, क्लियर बात ठीक है। पवन की दिशा कैसी होगी, पवन की दिशा जो है वो अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ होती है, क्लियर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ठीक। तो यहां पे आप देखें, इधर विषुवत रेखीय 0 से 5 ऊपर, 0 से 5 डिग्री नीचे, यहां पर क्या है, निम्न वायु दाब का बेल्ट है, क्लियर। तो हवा कैसी बहनी चाहिए, हवा जो बहेगी वो कैसी बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्लियर है चीजें ठीक। दूसरी बात, ये जो हवा है वो हमेशा तिरछी बहती है, याद रखिएगा ठीक है, हवा हमेशा कैसे बहती है, तिरछी बहेगी, क्लियर, यानी कि या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से ठीक है, हवा कभी भी इस तरीके से सीधी नहीं बहेगी ओके, ऐसा नहीं बहती ठीक, क्लियर है बात।
ओके, ऐसा डायरेक्शन होगा टिल्ट, ठीक है। इसके और भी रीजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तब वहां पर डिटेल में इसको देखते हैं, अभी हमको यहां तक आना है छत्तीसगढ़ की जलवायु तक, इसलिए इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो तो हवा की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी, ठीक है। तो हवा कैसे रहती है, तो देखिए हवा इस तरीके से बहेगी, क्लियर है, इस फील्ड में ये पवन की दिशा है, क्लियर। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी ये इस तरीके से बहेगी, क्लियर इतनी चीजें, ठीक। ये पवन की दिशा होगी, इसके ऊपर जाओगे तो इधर भी मैं आपको बता सकता हूं लेकिन उतना डिटेल में हमको नहीं देखना है, ठीक है। फिलहाल ये चीज आपको समझना है, ठीक। तो आप देखो इस जीरो डिग्री से नीचे ये जो आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, ये आपकी दक्षिण पूर्वी, ठीक, ये व्यापारिक हवाएं हैं, क्लियर। ये जो आप देख रहे हो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, क्लियर। और इसको आप देखोगे तो ये आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, क्लियर, ठीक, ओके। ना ये देखिए हमारा भारत कहां पर था, हमारा भारत जो है इस 23.5 अंश ये कर्क रेखा जो हमको दिख रही है, ठीक, यहां पर स्थित है, क्लियर है, ठीक। तो अब देखो ये जो उत्तर पूर्वी हवाएं आ रही है, देखो यहां पे बताता हूं मैं आपको, ठीक, देखो अब ये जो हवाएं आ रही है, ठीक, ये हवाएं ऐसे आ रही है, क्लियर। तो यहां पे बैठा है कौन, हिमालय, यानी कि इन हवाओं की वजह से यहां की जलवायु में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आएगा क्या, क्या वो कुछ अफेक्ट कर पाएगा, क्या प्रभावित कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, जो हवा है वो ये, क्लियर, ठीक। अब देखिए ये आपका भारत हो गया, ओके, और ये आपका हो गया क्या, जीरो डिग्री की भूमध्य रेखा, क्लियर है, ठीक। अब देखा इस भूमध्य रेखा के नीचे हवा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, क्लियर, ठीक। अब यही जो दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, क्लियर, ये इस लो प्रेशर की तरफ आई, ठीक। ये कब की बात है, ये आपका हम देख रहे हैं कब, ये मार्च, क्लियर, जब सूर्य की स्थिति क्या है, ये सर 21 मार्च की स्थिति, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि अब सूर्य की पोजीशन चेंज होगी, अब ये सूर्य क्या होगा, उत्तर दिशा की उत्तरी गोलार्ध की तरफ गमन करेगा, जिसको हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, क्लियर है बात, ओके। अब सूर्य का उत्तरायण होना यानी कि सूर्य किस तरफ जा रही है, तो ये अपना कर्क रेखा की तरफ जाएगी, ठीक। अभी कर्क रेखा देखो ये जीरो डिग्री ये हो गया, ठीक है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा ये आपकी कर्क रेखा हो गई, क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हो, ओके। तो देखिए अब ये हवा ऐसे जा रही है, अब क्या हो रहा है कि इधर सूर्य की पोजीशन चेंज हो रही है, सूर्य जो है वो क्या हो रहा है कि जीरो डिग्री से भूमध्य रेखा से अब ये जा रही है इस तरफ, क्लियर, कर्क रेखा की तरफ। अभी पहुंचते पहुंचते ये इधर अपना क्या हो गया, कर्क रेखा जो है ये यहां पर आपका पहुंच रहा है कब, आपका जून में, क्लियर, ठीक, मार्च अप्रैल मई और ये जून। अभी जून के महीने तक आते आते होता क्या कि अब सूर्य की जो पोजीशन है इस जून के महीने में ये आपका कर्क रेखा के ऊपर है, अभी कर्क रेखा के ऊपर है इसका मतलब क्या कि यहां पर सूर्य पहुंच गया है, तो यहां पर कर्क रेखा के ऊपर क्या होगा, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी। अब यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो यहां का तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा ना, क्यों होगा भाई, तापमान ज्यादा है तो यहां पर की जो हवा है, ठीक, ये हवा गर्म होगी, हल्की होगी और ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो उस एरिया में लो प्रेशर जोन बनेगा, क्लियर। तो पर्टिकुलरली यदि बात करें तो भारत में इस यहां पर जो है ये आपका लो प्रेशर जोन बनता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, क्लियर, ये सबसे गर्म क्षेत्र, तो ये लो प्रेशर जोन बनेगा, क्लियर, ठीक। अब हवा जो होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, क्लियर, ये देखें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्लियर।
तो अभी ये दक्षिण पूर्वी हवाएं जब ये इस तरफ आ रही थी, ठीक है, जैसे ही भूमध्य रेखा क्रॉस कर रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इसकी दिशा जो है बदल जाएगी, ठीक, और ये इस तरीके से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहना चालू कर देगी। ठीक, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक, ये आपकी ये कौन सी हवाएं थी, ये दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में आते आते क्या हो गया, ये इस तरफ उसके डायरेक्शन बदल गई, ये अब आपकी क्या हो गई, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। क्लियर है, दक्षिण पश्चिम, ओके, दक्षिण पश्चिम कैसे है समझना, ये देखो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्लियर, तो जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा को हम लोग लेते हैं, क्लियर है बात, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है, तो हवा ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम हम लोग ले लेंगे, पास में आ रही है, क्लियर हुआ ये, ठीक, तो ये देखिए डायरेक्शन क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, क्लियर है इतना, ठीक। अब देखो आपका एक जून ये हवाएं 1 जून ये आपका इस क्षेत्र में पहुंच जाती है, कहां पर, केरल तमिलनाडु, समझे कि नहीं, इस केरल तमिलनाडु एरिया में ये पहुंच गया है, ठीक, ये दक्षिण पश्चिम हवाएं, तो अब स्थलीय भाग में जैसे ही पहुंचती है तो इस स्थलीय भाग के टकराने से ये दक्षिण पश्चिम जो हवा है ये आपका 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, क्लियर, ये हिंद महासागर वाला एरिया है ना, ठीक है, तो इस हिंद महासागर वाले एरिया के ऊपर से बहते बहते ये दक्षिण पश्चिम हवाएं जैसे ही केरल के तट से टकराती है 1 जून के आसपास, तो ये 2 दिशाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके, एक आपका ये बंगाल की खाड़ी वाली दिशा में पहुंच जाएगी, क्लियर है, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहने लगेगी, और एक आपका ये अरब सागर के ऊपर से बहेगी, ठीक है, समझे, 2 शाखाओं में बढ़ गई, अरब सागर की मानसूनी हवा और ये बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा, क्लियर की बात है, ठीक, ओके, अब आगे देखो, तो यही हवा भारत में इस स्थलीय भाग में प्रवेश करेगी, और देखिए ये दोनों जो है ये पानी के ऊपर से बहते हुए, यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र से ऊपर से बहते हुए जा रही है, तो अब जब ये समुद्री क्षेत्र के ऊपर से बहते हुए जाएगी तो अपने साथ क्या करेगी, ये हवा अपने साथ नमी लेकर के जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स, समझे की बात, वही नमी लेकर के वो जाएगी, और आगे जाके जब वो ठंडी होगी तो फिर क्या होगी, हवा ठंडी होने के बाद फिर वो बादल का रूप ले लेगी, संघनन होगा, और फिर वो क्या करेगी, बारिश करेगी, बात समझ आ रही, ठीक है, तो यही आगे चल के बारिश करने वाली है, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। अब एक चीज समझो, अभी मैंने आपको मानसून कहा, क्या कहा, मानसून, ठीक है, देखो मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का एक शब्द होता है मौसिन, ठीक है, क्या होता है, मौसिन, है ना, तो ये मौसिन शब्द से ये आया है, क्लियर बात, ठीक, और मौसिन का मतलब क्या होता है, मौसिन का मतलब होता है मौसम के अनुसार हवा की दिशा में बदलाव, ठीक है, मौसम के अनुसार हवा की दिशा में बदलाव, ठीक, तो ये देखिए ये यहां पर जो हवा चल रही है वो मौसम के अनुसार बदल रही है, सूर्य की पोजीशन जो है वो यहां से इस तरफ आ रही करके रेखा के ऊपर, तो उसके हिसाब से मौसम में बदलाव आया, यानी कि जो वायु दाब है वो जो तापमान है उसमें परिवर्तन आया, मतलब मौसम की दशा में बदलाव आया, मौसम की दशा में बदलाव आया तो हवा की दिशा जो है वो क्या हो रही है, यहां पर बदल रही है, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, मानसूनी हवाएं हो जाएंगी, क्लियर है बात, ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि भारत में 2 मानसूनी हवाएं प्रवेश कर रही हैं, एक ये हिंद महासागरीय जो हवा है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा, वो एक अरब सागरीय मानसूनी हवा और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसूनी हवा, क्लियर है, यही दोनों जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करेंगी, इतनी बातें क्लियर है, ठीक, ओके, तो ये आप समझिए कि मानसूनी ये आपको समझ आ चुका है, क्लियर है, उसके कटिबंधीय भी आपको समझ में आ गया है, कैसे आ गया समझ में, क्योंकि भाई भारत जो है ये आप देखें कि प्रायद्वीपीय जो एरिया है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पहुंच रहा है, ठीक, वहां पे शामिल हो रहा है, और यही कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से भी गुजरती है, इसलिए यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय होगा, क्लियर है बात, ठीक, उपार्द्र क्यों होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको, मानसूनी जलवायु क्यों हो रही है वो भी आपको मैंने बता दिया, कैसे भाई
कि यहां से क्या हो रहा है, दक्षिण पूर्वी हवाएं ये जो कि पहले तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही थी, ठीक, अब उसके बाद ये 0 डिग्री से ऊपर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य जो है वो जून के आते आते इस कर्क रेखा के ऊपर पहुंच जाएगी, तो यहां पर तापमान ज्यादा हो जाएगा, इधर तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, तापमान इधर कम तो इधर आपका हाई प्रेशर हो जाएगा, इधर लो प्रेशर हो जाएगा, बात समझ आ रही है, ठीक, क्योंकि यहां की हवा गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर उठेगी, यहां भी निम्न वायु दाब बन जाएगा और इस तरीके से फिर क्या होगा, यही दक्षिण पूर्वी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रूप ले लेगी, और ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो कि हिंद महासागरीय हवाएं भी कह सकते हैं क्योंकि वही हिंद महासागर के ऊपर से ये हो रही है, बह रही है, ठीक है। अब आगे जाकर के 1 जून के आसपास ये केरल के तट से टकराएगी और ये दो रूप में बढ़ जाएगी, एक अरब सागरीय मानसूनी हवाएं और एक बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं। क्लियर बात, इसको अभी मैं और यहाँ पर आपको एक बड़ा भारत का मैप बना करके उसमें छत्तीसगढ़ की पोजीशन बना करके उसको समझाऊंगा। क्लियर हुई इतनी बातें, क्लियर है, ठीक। अब आगे देखो, चलिए अब देखो, ये देखिए हमारा भारत और उस भारत में ये छत्तीसगढ़ की स्थिति, क्लियर है। अब भारत जो है ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा आपका जलीय क्षेत्र है, हिंद महासागरीय क्षेत्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, क्लियर है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा पेनिनसुलर एरिया, ठीक, और इसी पेनिनसुलर एरिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, क्लियर। अब देखिए कर्क रेखा की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति देखना जरूरी, ठीक है, 23.5 अंश की जो कर्क रेखा है वो भारत की बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, ठीक, इसमें ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की होते हुए कहा जाती है छत्तीसगढ़, क्लियर। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, क्लियर, ओके। अब हमने अभी देखा कि जब सूर्य की स्थिति यहां पर है, क्लियर, ओके, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, कब, 21 मार्च, क्लियर पर 21st of March, ओके, तो उस दौरान इस भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, क्लियर, ये इस तरीके से चल रही है, ओके। अब होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी की स्थिति में बदलाव आएगा, क्लियर, रिलेटिव मोशन में, तो अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक आते आते सूर्य की स्थिति हो गई है यहां, क्लियर, ठीक, हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सूर्य की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी ऐसा वास्तव में है नहीं, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, क्लियर, ओके, चलिए, तो सूर्य की पोजीशन हो गई है 23.5 अंश कर्क रेखा के ऊपर, ये कब की स्थिति है, ये जून की स्थिति है, क्लियर, तो यहां पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, किरणें लगभग बढ़ रही है, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने की वजह से इस क्षेत्र की जो हवा है वो हो जाएगी गर्म, गर्म होकर हल्की होकर के ऊर्जा होगी ऊपर उठेगी, अब ऊपर उठेगी तो उस एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, क्लियर, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा निम्न वायु दाब, तो भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान वाला एरिया, ठीक, यहां पर ये आपका लो प्रेशर बनता है निम्न वायु दाब। अब हवा की दिशा किधर होती है, हवा की दिशा होती है अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, क्लियर, तो अभी इसका मतलब क्या है कि इस वक्त जून के महीने में ये जो भारत का स्थलीय भाग है वो बहुत गर्म है, क्लियर, अब स्थल गर्म है और जलीय क्षेत्र जो है वो क्या है, ठंडा है, क्लियर है ना, ये एरिया आपका क्या है, ये ठंडा है अपेक्षाकृत और ये हिस्सा आपका क्या है, गर्म है, क्लियर, तो इस तरफ समुद्री क्षेत्र के ऊपर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, अधिक वायुमंडलीय दाब होगा और यहां पर निम्न वायुमंडलीय दाब, तो हवा की दिशा किधर होगी, अधिक वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब की तरफ, क्लियर, तो यही जो दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आते आते ये अपना डायरेक्शन क्या कर देती है, ये बदल देती है और ये पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, पूर्व दिशा मुड़ गई, ठीक है, मुड़ गई, तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से ये हो गया दक्षिण पश्चिमी हवाएं, क्लियर, अब ये दक्षिणी
पश्चिमी हवाएं, ये 1 जून को, क्लियर है, ये आपका जो केरल तमिलनाडु का तट है, ठीक है, यहां पर ये 1 जून को टकराती है, क्लियर। और टकराने के बाद यानी कि भारत के इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही 1 जून को ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं यहां टकरा करके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, क्लियर, इससे टकराई और ये 2 शाखाओं में क्या हो गई, बट गई। कौन सी 2 शाखाएं, तो अब देखिए, एक बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं और एक अरब सागर की मानसूनी हवाएं, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय क्षेत्र से टकराने के बाद 2 शाखाओं में बट जाती है, एक अरब सागरीय मानसूनी हवाएं और दूसरा बंगाल की खाड़ी की हवाएं, ओके, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, यहां तक क्लियर है, ओके। अब देखो, अरब सागर की हवाएं जो यहां प्रवेश कर रही है वो पहले किससे टकराएगी, वो टकराएगी इस पश्चिमी घाट से, क्लियर, ठीक है, ये इस पश्चिमी घाट से टकराएगी ना, क्लियर। तो अरब सागरी हवाएं क्या छत्तीसगढ़ तक पहुंच पाएंगी, पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, लेकिन लेकिन आप ध्यान से सुनो, ये अरब सागरी हवाएं जो कि हिंद महासागरीय हवाओं का ही एक हिस्सा है, ये समुद्र के ऊपर से बहते हुए पानी की नमी को लेते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक। अब पानी की नमी को लेकर के आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ते के लिए यहां पर जो पूरी पर्वतीय श्रृंखला है, सह्याद्री पर्वत और आपके जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, ये पूरा जो पश्चिमी घाट है उससे टकराएगी, उससे टकरा करके ये हवा, नमी वाली हवा ऊपर उठेगी, क्लियर, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, क्या, देखो ये पर्वत है, क्लियर, क्या है, पर्वत। अब होता क्या है कि हवा इससे टकरा करके ऊपर उठेगी, उठेगी ना ऊपर, क्लियर। अब ये जो हवा यहां पर आ रही है, ये इस सागरी हवाएं हैं, सागर के ऊपर से वो नमी लेकर के पहुंची, अब इससे टकरा करके ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो भैया तापमान में परिवर्तन आएगा, ठीक। अब ध्यान से समझे, क्या, जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, ओके, प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाएगा, इसीलिए ऊंचाई पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है पहाड़ों पर, ठीक, टेम्परेचर बहुत कम होता है जो कि हिमांक से भी कम हो जाता है, क्लियर। तो ये जो नमी देकर के हवाएं आगे बढ़ी, ये इस पर्वत से टकरा करके ऊपर उठी, ठीक, तो ऊपर उठते उठते तापमान में कमी आई, तापमान में कमी आएगी तो ये जो नमी लेकर के हवाएं जा रही हैं वो क्या होंगी, ठंडी हो जाएगी, ऊपर जाते जाते ठंडी होगी तो फिर ऊपर ये बादल का रूप ले लेगी, क्लियर है, और फिर वही ठंडी होकर के फिर संघनित होगी और फिर क्या करेगी, बारिश करेगी, आई बात समझ में, क्लियर। अब जो नमी लेकर के ये हवा गई थी वो तो अधिकांश वर्षा यहीं पर हो गई, कहां, इस पर्वत के इस पार, यानी कि इस वृष्टि क्षेत्र में, क्लियर। अब कुछ हवा जो है वो क्या होगी, पर्वत से फिर आगे बढ़ेगी और इस तरीके से क्या होगी, नीचे उतरेगी, क्लियर। अब ये जो हवा नीचे उतर रही है तो फिर क्या होगा, इसके जस्ट उल्टा, यानी कि ऊपर गए तो तापमान कम होता गया, अब नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ते जाएगा, तापमान बढ़ते जाएगी तो क्या होगा, ये जो नमी वाली हवा यहां गई थी, जो बारिश भी बढ़ चुकी है, अब कुछ नमी अगर उसमें होगी भी तो वो नमी अब क्या होती जाएगी, वो सूखती जाएगी, है कि, क्योंकि तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान के बढ़ने की वजह से वो जो नमी वाली हवा है उसमें नमी की कमी होती जाएगी, क्लियर है, और इस तरीके से वो इस
एरिया में यदि बारिश करेगी भी तो या तो बहुत कम बारिश करेगी या नहीं के बराबर करेगी। और इस तरीके से पर्वत के इस पार ये आपका कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र या वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडेड एरिया। बात समझ आ रही है? ठीक। ये सब क्यों हुआ इस पर्वत से टकराने के बाद? ये देखिए, ये हमने जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में हमने एक पहाड़ या पर्वत भी देखा, हमने बारिश भी देखी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है, तापमान की वजह से इसमें परिवर्तन आया, ठीक, बारिश में परिवर्तन आया, वर्षा में। तो अब देखो, इसका मतलब ये कि यहां से टकराने के बाद जो अरब सागरी हवाएं जो थोड़ी बहुत जो आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ की तरफ, ठीक, ये शुष्क हवाएं हैं, क्लियर है। इसमें नमी की मात्रा क्या है, बहुत कम है, क्लियर है बात। ओके, तो ये इधर पहुंची, समझे कि नहीं? ठीक, तो अरब सागरी हवाएं यहां तक पहुंची कुछ मात्रा में, लेकिन इस एरिया में ये जो बंगाल की खाड़ी से जो हवा आ रही है मानसूनी हवा, ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा की जो मात्रा है वो अधिकांश हमारे छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा, क्लियर। हमारा छत्तीसगढ़, एक तो ये नंबर वन, ये छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित राज्य है। क्या है? भू आवेष्टित राज्य, लैंडलॉक स्टेट है। ये भारत के ही अन्य अलग अलग राज्यों से घिरी हुई है, ये किसी समुद्र के किनारे से नहीं लगी हुई है, किसी जलीय भाग से नहीं लगी हुई है, भू आवेष्टित राज्य है, क्लियर है बात। ठीक, इसका मतलब ये कि यहां तक जो हवाएं पहुंचेंगी वो शुष्क हवाएं होंगी, क्लियर है बात, समझे कि नहीं? इसमें नमी की मात्रा होगी भी तो कम होगी, इसलिए इसको हम लोग उपार्द्र कह रहे हैं, ह्यूमिडिटी उसमें कम होगी, बात समझ आ रही है, ह्यूमिड एयर कम पहुंचेगा, इसलिए क्या कहला रहा है, ठीक है, सब ह्यूमिड, ओके, उपार्द्र कहला रहा है, बात समझ आई कि नहीं? ठीक, क्लियर। अब दूसरी बात, तो अरब सागर की हवाएं यहां पहुंची, अब आप छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखें, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में यहां पर क्या है, ये है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। क्या है? मैकाल पर्वत श्रेणी, जो कि राजनांदगांव से लेकर के ऊपर आपका कवर्धा या कबीरधाम फिर गोरेला पेंड्रा मरवाही तक पहुंचा हुआ है, क्लियर है? ठीक, तो अब अरब सागरी हवाएं पहले तो यहां इसको इससे टकराए, इधर पहुंची कम नमी लेकर के, कम आद्र वाली हवाएं, अब फिर एक बार टकरा रही किससे, मैकाल पर्वत श्रेणी से, जो कि किसका हिस्सा है, आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक, ओके, तो अब इससे टकरा करके पहुंचेगी छत्तीसगढ़ में, तो फिर से यही वाली कंडीशन आएगी पूरी, क्लियर है? मैकाल पर्वत से टकरा करके हवा ऊपर उठेगी, अरब सागरी हवाएं, ओके, और जितनी नमी लिए हुए थी, ठीक, उसके हिसाब से जितना बारिश करना है वो करेगी, ऊपर जाते जाते ठंडी होने के बाद, ठीक, लेकिन फिर इस मैकाल रेंज से इस तरफ जब आएगी यहाँ इस एरिया में, तो ये उतनी नमी उसमें रहेगी क्या? नहीं, वो शुष्क हवा है, ठीक, उसमें नमी की मात्रा बहुत कम है, और इसलिए मैकाल पर्वत श्रेणी के इस तरफ, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में, जिसमें दुर्ग संभाग का अधिकतर हिस्सा आता है, ठीक, ये कवर्धा वाला हिस्सा आएगा, ये आपका बेमेतरा वाला हिस्सा आएगा, कुछ हिस्सा है ना दुर्ग अर्णक वाला हिस्सा आएगा, ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा, रेन शेडेड एरिया बन जाएगा, यहां पर कम वर्षा होगी, क्लियर है इतनी बातें? ठीक, ओके, अब तो ज्यादातर इस छत्तीसगढ़ में जो बारिश होगी, क्लियर है, वो याद रखें कि वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं की वजह से होगी, समझे कि नहीं? क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो छत्तीसगढ़ की जलवायु का जो असर है, ठीक, या जो छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसमें 90% जो बारिश है वो 90% भागीदारी किसकी होगी? बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की, क्लियर है बात? ठीक, और जबकि अरब सागरी हवाओं का हिस्सा कितना होगा? ओनली 10%, समझे कि नहीं? क्लियर है? ठीक, दो शाखाएं थी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की, क्लियर है? तो याद रखें, हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से भी बात करें तो छत्तीसगढ़ की जलवायु पर असर डालेगी 10% अरब सागरीय मानसूनी हवाएं और 90% कौन? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं,
बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? ठीक, तो भारत के हिसाब से हमने देख लिया। अब ये छत्तीसगढ़ का मैप बना करके मैं आपको बताता हूँ कि भाई कहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, कहाँ पे बहुत ठंडा होता है, ठीक, जिला कौन सा, तहसील कौन सा, औसत वर्षा कहाँ ज्यादा होती है, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, मिनिमम रेनफॉल कहाँ होता है, वो हम लोग पूरा मैप वाइज अब हम लोग देखेंगे। क्लियर, यहाँ तक के जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, अब हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे, एग्जाम के क्या पॉइंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है की बातें? ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लो, अब ये देख लो आप, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। ठीक है, जितने जिले आपके किस तरह से लगे हुए हैं वो आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में ये आपका 23.5 अंश की कर्क रेखा, द लाइन ऑफ कैंसर, ये गुजरती है छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। क्लियर, ये तीन जिलों से होकर के गुजर रही है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ओके, तो चूंकि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, इसका मतलब यह है कि जून में, ठीक, जून के महीने में जब सूर्य की स्थिति जो है वो लंबवत होती है कर्क रेखा के ऊपर, तो यहां पर सबसे अधिक तापमान रहेगा छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों की तुलना में। क्लियर, देखें जलवायु के आधार पर यदि छत्तीसगढ़ को बांटे तो तीन क्षेत्र में बांटा गया है, एक उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिणी छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ बोलने से ये आपका जो एरिया है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान वाला एरिया यानी कि दुर्ग, रायपुर और आपका ये बिलासपुर संभाग हो गया। क्लियर है, और ये नीचे आपका दक्षिणी। ओके, तीन क्षेत्र। तो यदि देखा जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपका, यदि हम लोग ग्रीष्म काल की बात करें गर्मी के ऋतु, ठीक है, तो ग्रीष्म काल में ये उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे अधिक तापमान इसका रहेगा। क्लियर है, सबसे अधिक गर्म रहेगा ये क्षेत्र। वहीं शीत काल में सबसे अधिक ठंडा भी रहेगा। क्लियर, क्योंकि कर्क रेखा यहीं से पास हो रही है ना, इसलिए गर्मी में सबसे अधिक गर्म एक क्षेत्र रहेगा और ठंडी में सबसे अधिक ठंड एक क्षेत्र रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो सबसे अधिक ठंडा जैसे कि शीतकाल में हम लोग देखें तो ये आपके यहाँ पर क्या है, मेन पार्ट। ठीक है, ये जो मेन पार्ट है ये आपके छत्तीसगढ़ में शिमला कहलाता है, समझेंगे, तो ये मेन पार्ट सबसे अधिक ठंड रहता है, कभी कभी हिमांक से भी नीचे चले जाता है यहाँ का तापमान, तो बर्फ वहां पर जमी रहती है मेन पार्ट में। उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र की बात करें जिसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर वाला मैदानी एरिया आता है, ये साल भर एक कह लीजिए कि गर्म रहता है, बाकी क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो एक तो यहाँ क्या है, वन सघनता है, कर्क रेखा से दूर है। क्लियर बात? ठीक, तो यहां पर जो है ये वनों की सघनता होने की वजह से, पर्वतीय पठारी प्रदेश होने की वजह से इस क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में वो इसी क्षेत्र में होती है। क्लियर बात? ठीक, जैसे यह क्या है, बस्तर। ठीक है ना, तो भाई पूरे छत्तीसगढ़ में जो वर्षा का औसत जो दिन है वो 67 डेज। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में 67 दिन जो है वो बारिश होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, पूरे साल भर में 67 डेज, जिसमें यदि बात करें ये इस क्षेत्र की तो बस्तर जो है ये यहाँ पर 72 दिन होते हैं। ठीक है, वर्षा का जो दिवस है, जो डे है, वो 72 डेज जो है वो बारिश का दिन होता है। क्लियर है? तो ये ज्यादा है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस तरीके से जलवायु के आधार पर इसको हम इस तरीके से तीन भाग में बांट सकते हैं। ऋतु के आधार पर यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में तीन ऋतु हैं। कितनी? तीन। ग्रीष्म ऋतु जो कि 16 फरवरी से 15 जून ये जो समय है ये आपका क्या ग्रीष्म ऋतु होगी, 16 जून से 15 अक्टूबर वर्षा ऋतु और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी ये आपका क्या हो जाएगा शीत ऋतु। क्लियर है बात? ठीक, इतनी चीजें है ना। अब देखो
यदि हम लोग बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में जो यदि बारिश होती है तो वो वर्षा का कारण जो होता है वो होता है चक्रवात। ठीक, चक्रवात की वजह से होता है। वर्षा ऋतु में जो बारिश हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वो आपका हो रहा है किसकी वजह से? दो चीजें, एक तो ये कि भैया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो अरब सागरी हवाएं हैं, ठीक, और आपका बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं हैं उसकी वजह से। ठीक, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, अरब सागरी हवाओं की वजह से 10% हिस्से में बारिश होती है, और वही बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उसकी वजह से 90% जो है बारिश होती है छत्तीसगढ़ में। क्लियर? इसमें छत्तीसगढ़ में ध्यान रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। ठीक, शीत ऋतु में यदि बारिश हो रही है, ठीक है, तो शीत ऋतु में जो बारिश है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, भारत का जो इस तरफ भारत के पश्चिमी हिस्से में जाएंगे तो पश्चिमी हिस्से से जो हवाएं आती है नमी लेकर के उसकी वजह से बारिश होती है कब? शीत ऋतु में। क्लियर है इतनी बात? ठीक, ये तीन जो है महत्वपूर्ण चीजें, ये हम लोगों ने बारिश की बात, ग्रीष्म ऋतु में चक्रवात की वजह से बारिश होती है, जो हवा जो इस तरीके से ये फ्लो होती रहती है, क्लियर, लाइक दिस, जैसे कि ये लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, तो ये हवा इस तरीके से बहती है, क्लियर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आपका ये चक्रवात का निर्माण करती है। ठीक है, इसकी वजह से ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगी। वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की वजह से भी हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक, जिसके दो हिस्से हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से केवल 10% बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से 90% जो है बारिश होती है। ठीक है, वहीं शीत ऋतु में यदि छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है तो उसके कारण आप समझ लीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लियर है ये बातें? ठीक, चलो इतना चीज याद रखना। अब ये जो आप मैप देख रहे हो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, ये तीन चीजों में जो है क्या परिवर्तन आता है, कहाँ पे ज्यादा बारिश हुई है, कहाँ पे कम, कहाँ पे ज्यादा तापमान है, कहाँ पे कम तापमान है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। क्लियर है? ठीक, देखिए चलिए, तो मुख्य रूप से चार चीजें, ठीक, आपका वर्षा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता। ठीक, जलवायु की बात कर रहे हैं, मतलब ये चार चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्षा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो देखिए पहली बात है कि यदि हम बात करें वायुदाब की, ठीक है, तो वायुदाब की जब हम बात करते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो समदाब प्रदेश में आता है। ठीक है, आइसो प्रेशर या आइसो बार रीजन में आता है। ठीक है, यानी कि दाब में बहुत ज्यादा, वायुमंडलीय दाब में बहुत ज्यादा ऐसा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता अलग अलग क्षेत्रों में। क्लियर है? ठीक है, ये अलग अलग ऋतुओं में। ग्रीष्म ऋतु में 1015 मिलीबार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या फिर आपका शीत ऋतु में 1025 मिलीबार का वायुमंडलीय दाब देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये बात हो गई किसकी? दाब के बारे में। यदि वर्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो देखें जलवायु का जो वितरण है वो क्या है? महाद्वीपीय है ना, वो हम लोगों ने देखा कि भाई छत्तीसगढ़ जो है वो कैसा है, भू आवेशित राज्य में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भू आवेशित राज्य है, तो उसके हिसाब से जो है ये वर्षा का जो, सॉरी, जलवायु का जो वितरण है वो आपका महाद्वीपीय रहेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो 10 से 15 जून प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता है तो किधर से प्रवेश करेगा? ये आपका नीचे जो बस्तर वाला एरिया है यहां से प्रवेश करेगा। ठीक है, तो मानसून का प्रवेश यहां पर जो होता है बस्तर रीजन में, ये आपका 10 से 15 जून को यहां पर इंटर करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया 1 जून केरल में स्ट्राइक करता है, केरल तक पहुंचता है, फिर आपका 10 से 15 जून के बीच में छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो मानसूनी हवाएं हैं वो, और कौन सी मानसूनी हवाएं? छत्तीसगढ़ में जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं हैं उसी से 90% बारिश होती है,
10% अरब सागर की हवाओं से होती है। क्लियर है बात? ठीक है, ये जो पहुंच रही है ये क्या है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। क्लियर है बात? ठीक, ये आपका इस तरीके से स्टाइल करता है बंगाल की खाड़ी वाला। क्लियर बात है? ठीक, अब इसके बाद देखिए वर्षा का दिन है वो है 67 days। ठीक है, 67 दिन जो है बारिश होती है कहां, यहां छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में। ठीक है, वही वर्षा ऋतु में औसत वर्षा एनुअल जो रेंथ सॉरी आपका जो एवरेज रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच में पूछेगा तो 69 इंच याद रखिएगा और एमएम में पूछेगा तो 1300 से 1325 एमएम याद रखेंगे। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद देखिए औसत वर्षा यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी में जो बारिश होती है जो कि चक्रवात की वजह से होती है वो आपका 10 से 15 सेंटीमीटर रहेगा। कब कितना रहेगा, 10 से 15 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, अब देखो बारिश की बात हो रही है वर्षा की तो रेनफॉल जो है वो कहां ज्यादा होता है कहां कम होता है और एवरेज कहां ज्यादा होता है उसको भी अपन देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो ये नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ क्षेत्र आपका रहेगा। क्या रहेगा? अबुझमाड़ क्षेत्र। यह बात याद रखिएगा, चूंकि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या छत्तीसगढ़ का मासिनराम भी कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, चेरापूंजी के मासिनराम में, इसलिए उसकी तुलना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो कि अबुझमाड़ है इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या छत्तीसगढ़ का मासिनराम कहते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, अबुझमाड़ क्षेत्र। तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, तो याद रखिए न्यूनतम वर्षा जो होती है वो होती है कवर्धा में। कहां, कबीरधाम जिला या कवर्धा में न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक, यदि रेंज पूछेगा या पर्वतीय क्षेत्र पूछेगा तो हम लोगों को क्या लेना है, तो हम लोगों को लेना है मैकाल रेंज। क्या लेना है, मैकाल पर्वत श्रेणी। क्लियर है? ठीक, मैकाल पर्वत श्रेणी में सबसे कम वर्षा होती है या कवर्धा या कबीरधाम में सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर की बातें? ओके, अगर एवरेज की बात करते हैं, ओके, तो एवरेज जो रेनफॉल है एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एवरेज उसमें भी सबसे कम कहां, कवर्धा में, याद रखिएगा। तो कवर्धा एक तो ये न्यूनतम वर्षा भी यही होती है और औसत वार्षिक जो न्यूनतम वर्षा है वो भी यही होती है कवर्धा में। वही औसत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है बात करें तो वो है आपका जसपुर। क्या है, जसपुर। सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा 170 से 172 सेंटीमीटर। क्लियर की बात इतनी? ठीक है, ये औसत में सर्वाधिक हो गया, ओके, क्षेत्र जसपुर, और इधर न्यूनतम में औसत में कवर्धा। क्लियर है इतना? ठीक, इसके अलावा देखें ये वर्षा की बात हो गई। ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चार चार पैरामीटर में आपको बताते चल रहा हूं, सबसे कम वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम औसत वर्षा सबसे ज्यादा औसत वर्षा। ठीक है, ये चार चीजें अपन याद रखेंगे। ठीक, अब आते हैं किसमें, तापमान में। क्लियर है? तो देखिए तापमान की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो किसमें आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, चूंकि कर्क रेखा यहां से होकर के गुजरती है। क्लियर है इतना? ठीक, अब इसके बाद देखें सर्वाधिक तापमान, चूंकि देखिए कर्क रेखा उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजर रही है, ठीक है, और यदि छत्तीसगढ़ में जलवायु के आधार पर हम लोग बांटते हैं तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो चूंकि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र में आता है तो इसी सर्वाधिक गर्म क्षेत्र में जो आपके छत्तीसगढ़ का मैदान वाला एरिया है इसमें है ये आपका क्या, चांपा। क्या है, चांपा। तो चांपा जो है वो सबसे गर्म स्थान है छत्तीसगढ़ का, याद रखें। सर्वाधिक तापमान कहां मिलेगा, चांपा में मिलेगा, सबसे गर्म क्षेत्र छत्तीसगढ़ का। तो फिर छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैनपाट। क्या है, मैनपाट, याद रखेंगे। क्लियर, मैनपाट छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। यहाँ का तापमान कभी कभी हिमांक से भी कम हो जाता है इसलिए यहाँ पर बर्फ भी जम जाती है। क्लियर है बात, ये मैनपाट याद रखेंगे। तो सबसे कम तापमान यदि देखें तो मैनपाट और सामरीपाट ये दोनों याद रखिए, ठीक है, मैन पार्ट और सामरी पार्ट, ये न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब बात हो गई कि मैक्सिमम टेम्परेचर
देखिए टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, औसत तापमान और तापमान, तापमान में मैक्सिमम और मिनिमम। तापमान मैक्सिमम कहां का? चापा। मिनिमम कहां का? तो इसमें सबसे कम तो मेन पार्ट है, साथ में इसके एक और आ जाता है सामरी पार्ट जो कि बलरामपुर क्षेत्र का है, ये सरगुजा क्षेत्र का है, ठीक है, तो ये मिनिमम होंगे। एवरेज टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, एनुअली वार्षिक जो औसत तापमान है, तो इसमें सबसे अधिक आपका आएगा रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ में मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर, और अंबिकापुर, ठीक, अंबिकापुर ये आपका आता है इसमें मिनिमम एवरेज टेम्परेचर में आता है। ये देख लीजिए, ये है रायगढ़ मैक्सिमम वार्षिक औसत तापमान, अंबिकापुर ये मिनिमम वार्षिक औसत तापमान। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो इतना पॉइंट जो हम लोगों ने देखा, इसी तरीके से मैप वाइज याद रखिए तो आसानी से याद हो जाएगा। जितने भी पैरामीटर्स आपको मैंने आपको बताए उसको इस तरीके से पढ़िए। जलवायु यानी कि आपको याद रखना है वर्षा, तापमान, वायुदाबन, आर्द्रता के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। क्लियर है? तो आर्द्रता कौन सी हो गई आपकी? उपाद्र या शुष्क में जलवायु में आता है, ठीक है, वायुदाब तो समदाब क्षेत्र में आता है। तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो अलग अलग हम लोगों ने पूरा देखा, मैक्सिमम तापमान मिनिमम तापमान कहां पर है, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर मिनिमम एवरेज टेम्परेचर कहां पर है, वो आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ आता है, ये तापमान के हिसाब से बात हुई। वर्षा की बात करें तो मानसून का प्रवेश 10 से 15 जून के बीच में छत्तीसगढ़ में होता है, बस्तर में सबसे पहले मानसून पहुंचता है, क्लियर है, और जो मानसूनी हवाएं जो है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। क्लियर बात इतनी, जिसमें से दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय जो मानसूनी हवाएं हैं उसका 10% और 90% जो बारिश होती है छत्तीसगढ़ में, जलवायु प्रभावित होती है, वो जलवायु 90% जो है वो डिपेंड करता है बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं पर। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, ओके, तो ये जलवायु के बारे में मुख्य रूप से बात हो गई। हम लोगों ने चालू कहां से किया, तो हम लोगों ने देखा अलग अलग जो बेल्ट है उष्णकटिबंध शीतोष्ण वहां से चालू किए, फिर हम लोगों ने देखा पवन की दिशा किस तरीके से होती है, उसकी वजह से कैसे दक्षिण पश्चिम हवाएं हम तक पहुंचती है भारत के छत्तीसगढ़ तक, वो हम लोगों ने बात की, ठीक, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो शुरू से आखिर तक एक साथ देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, और खुद से उसको मैप को आपको बना आप बनाइएगा तो ये चीजें आपको पूरी तरह से याद रहेंगी। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, आई होप पढ़ंतु ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया, आई होप कि आप तक मेरी बातें पहुंची होंगी, और अपनी तैयारी जारी रखिए, और बिल्कुल आप नोट्स बनाते भी चलिए, क्योंकि जो नोट्स बनाएंगे वही आपको काम आएगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। आप पूरी तरीके से आप वीडियो इस तरीके से देखते नहीं बैठे रहेंगे, जो काम आएगा वो आपका नोट्स है, इसलिए नोट्स आप अच्छे से बनाओ ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप तुरंत उसको क्विक रिविजन कर सको। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, थैंक यू सो मच पढ़ंतु, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए, धन्यवाद।